हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मैं अपनी सिलाई मशीन जो है वो अब दुकान पर ही ले आई हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन यहीं पर रहती हूँ और फिर यहाँ से घर जाने के बाद खाना बनाओ फिर खाओ ये सब में बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलाई करने का मन ही नहीं लगता है। इसीलिए मैं सिलाई मशीन यहीं पर ले आई हूँ और यहीं पर ही सिलाई करती हूँ। और आज हम अपने दुकान की साफ़ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गया था और ये दुकान जो है मेन रोड पर है तो और भी ज़्यादा धूल होता रहता है और यहाँ चूहे भी घुस जाते हैं, तो चूहों ने भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी थी। ये देखिए, पुट्ठा दिए थे हम उसके नीचे में, मतलब रैक जो है रैक के ऊपर में पुट्ठा डाल दिए थे और उसके ऊपर सामान रख रहे थे, तो पुट्ठे के जितने नीचे में ही चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदगी की थी, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और जितने भी धूल हैं, जो भी एक्स्ट्रा कचरा है, वो सबको आप साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। जितने भी पुट्ठा निकले हैं उन सबको मैं पीछे रख दे रही हूँ, ताकि कोई भी लेने के लिए जब आएगा तो हम इसको बेच देंगे। पीछे हमारा जगह है तो वहीं पर इसको मैं रखती जा रही हूँ अभी। जो भी यहाँ पे बड़े बड़े डिब्बे थे उन सबको मैं यहाँ पे शुभम को दे रही हूँ और वो भी हमारी मदद कर रहा है। तो जितने भी सामान हैं बड़े बड़े उन सबको मैं साइड में रख रही हूँ, ताकि यहाँ पे अच्छे से साफ हो जाए। फिर मैं जब इसको पोछा माल लगा लूँगी उसके बाद इस सामान को फिर से यहीं रख दूँगी। और ऊपर का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो ऊपर के जितने भी सामान हैं उसको रख रही हूँ। और ये कैमरे के सामने देखिए बदमाशी स्टार्ट कर रहा है, और इसका एक दांत जो है वो दांत टूट चुका है, तो ये दिखा नहीं रहा था, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर वो हंस रहा है तो दिख रहा है। और ये सबसे ऊपर वाला रैक जो है, ये कार्टून जहाँ पर है वो भी कार्टून खाली है अभी, तो उनको भी हटा देंगे। और ये ऊपर बहुत ही ऊपर में धूल है, तो ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे शुभम के पापा जो हैं वो इसको साफ कर रहे हैं। और इस टेबल पे हम तेल जो है उसको रखते हैं, और तेल जो है खुला बेचते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें से नीचे गिर जाता है, फिर पन्नी ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा उसमें तेल जो है वो चिपचिप कर रहा था, तो उसको हम फेंक दिए हैं। और ये दूसरा पन्नी यहाँ पे अच्छे से बांध कर इसके ऊपर फिर से एक पुट्ठा डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे, ताकि फिर से एक बार ये अच्छे से हो जाए। और फिर जब दोबारा साफ करेंगे तब इसको भी हटा देंगे, क्योंकि तेल जब गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है। और अभी सभी ऊपर की तरफ साफ हो जाने के बाद मैं इसको अच्छे से एक बार यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। जितना भी कचरा है वो सब बाहर निकाल देंगे, और जितने भी मतलब तेल की जब चिपचिप थे उनको हम बाद में जला देंगे सबको।
और यहाँ पे टेबल के नीचे जो है बहुत ज़्यादा धूल था, और इसीलिए ये यहाँ पे धूल साफ़ करने के लिए ये जो मशीन आता है इससे धूल को जो बाहर निकाल देता है उसी को ये यहाँ पर चला रहे हैं एक बार अच्छे से, ताकि जितनी भी धूल है वो अंदर घुसा रहा था वो सब बाहर निकल जाए। और अभी हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है इसीलिए मैं एक बार यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद जितने भी सामान थे उनको मैं पीछे हटा दी थी, उन सब को फिर से जमा रहे हैं। यही बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम रहता है कि जब बहुत ज़्यादा सामान रहता है वहाँ साफ़ सफाई करो, तो एक बार सामान हटाओ फिर उस सामान को जमाते जाओ, यही काम रहता है। तो हम फिर से सारे सामान को यहीं पर ला रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक गद्दा भी डाले रहते हैं क्योंकि सुबह भी और कोई भी आता है तो बैठता है सोते हैं यहाँ पर। और अभी हमारा दुकान जो है हम इसको अच्छे से साफ़ कर चुके हैं, जितनी भी धूल थी यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा सामान था उसको हटा कर साफ़ कर चुके हैं। अब जब सारा धूल साफ़ कर रहे थे तब हम भी बहुत ज़्यादा हमारे कपड़े भी गंदे हो चुके थे, इसीलिए सुबह तो नहा कर आए थे, फिर भी अभी जाकर हम नहाएंगे एक बार और, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल था और एकदम धूल धूल लग रहा है। और यहाँ पर जितने भी पन्नी या फिर जो कुछ भी कचरा निकला था उसको एक बार जला दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही फेंक देते तो फिर ये उड़ता रहता इधर उधर, इसीलिए इसको जला दिए हैं। अभी तेल की भी चिपचिप थी तो उसको भी जला दिए हैं। और ये देखिए बाहर में अभी यहाँ पर शटर बनना रहा है तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर तो इसीलिए मैं इसको आवाज़ नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको बना रहे थे तो आवाज़ आ रहा था। और अभी हम घर गए थे और घर से नहा धोकर आ चुके हैं, तो जब आ रहे थे तो वहाँ पे पानी पूरी आया था तो वहीं हम ले लिए हैं। और यहाँ पे सुबह पानी पूरी खा रहा है, और मैं जब दोपहर में गई थी तो मैं रोटी और सब्ज़ी लेकर आई थी खाने के लिए, तो यहाँ पे सुबह के पापा वहीं खा रहे हैं। और हम भी अभी पानी पूरी या नाश्ता कुछ भी दोपहर में मैं घर जाकर बना कर ले आती हूँ, तो यहाँ पर फिर लेकर आ जाते हैं और यहीं पर खाते हैं। अभी हमारा यहाँ पे खाना पीना हो चुका है तो मैं यहाँ पे चाय भी लेकर आ जाती हूँ, इसलिए अभी मैं चाय भी पी रही हूँ। और अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।